आप सबका स्वागत है और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है, किचन का डेडिकेटेड वीडियो है। सो आज हम चांदिवली साइड पे है और ये जो किचन है यहाँ पर, इसके पहले हमने वीडियो शूट किए हुए हैं दो बार आई थिंक सो। फर्स्ट वीडियो जब हमने क्लाइंट ब्रीफ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ों की बात की थी, तब हमने फर्स्ट वीडियो यहाँ पे शूट किया था, जब हमने प्लानिंग की बात की थी, किचन किस तरीके से हमने प्लान किया है एंड ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द हाउस, इन सारी चीज़ों की बात की थी। सेकेंड जब साइट पे काम चल रहा था तब हमने काफ़ी प्रोसेस वाले वीडियो शूट किए थे कि साइट पे काम कितना आगे बढ़ा है, क्या प्रोग्रेस हुआ है, तब भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो शूट किया था। तब एक्चुअली काउंटर वगैरह रेडी था, बैक स्लैश ये सब कुछ रेडी था, बट नीचे का सब कुछ जो है कारपेंट्री वर्क ऊपर का है वो कुछ भी नहीं हुआ था, अप्लायंसेस वगैरह कुछ भी नहीं आए थे, पेंटिंग काफ़ी सारा काम बैलेंस था। और नाउ दैट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और एक्चुअली क्लाइंट्स को शिफ्ट होके भी ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है, आज के वीडियो में हम थोड़ा सा प्लानिंग की बात करेंगे, फिटिंग्स की बात करेंगे, सारे जो शटर से खोल के देख लेंगे, ट्रॉलीज खोल के देख लेंगे एंड या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो क्विक डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सो अगर आपने ये सीरीज स्टार्टिंग से देखी है, सारे एपिसोड्स अगर आपने देखे हैं और किचन वाले जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियोज थे वो भी अगर आपने देखे, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज मैं जो प्लानिंग और फिटिंग्स जो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आपने ऑलरेडी सुना हुआ है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ये वीडियोज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो वील स्टार्ट विद द बेसिक्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। येस लेट्स स्टार्ट। सो अभी आप देख सकते हैं कि इस किचन को हमने ओपन किचन की तरह प्लान किया है इनिशियली, पर इसका प्लानिंग कैसा था, सो यहाँ पर किचन का मेन जो एक्सेस था वो यहाँ से था, सो यहाँ से किचन की एंट्री थी और यहाँ से एक कम्प्लीटली दीवार थी, मतलब ये पूरी यहाँ पे एक वॉल थी, ये यहाँ से किचन का एंट्रेंस था, ये जो है फ्रिज की जगह थी और ऑब्वियसली ये एंट्रेंस नहीं था, यहाँ पर एक दीवार थी। नाउ दिस इज़ अ 3.5 BHK, पर यहाँ पर इसके पीछे किचन के पीछे एक सर्वेंट्स रूम थी जिसकी कोई क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं, जिसके वजह से वो जो सर्वेंट्स रूम थी वो एरिया हमने किचन में इंक्लूड कर दिया, जिसके वजह से अभी इफ़ यू सी द किचन इज़ मच मोर स्पेशियस देन हाउ इट वॉज अर्लियर, जैसे उन्होंने प्लानिंग में दिया था। और डाइनिंग जो था इनिशियली, ये वाला जो लिविंग रूम का हिस्सा है ये डाइनिंग के लिए डेडिकेटेड था, बट क्योंकि जैसे मैंने कहा सर्वेंट्स रूम हमने अंदर ले ली तो किचन थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके लिए डाइनिंग भी हम किचन में इनकॉर्पोरेट कर पाए। जब ये एज अ बेडरूम, ये जगह एज अ बेडरूम यूज होगी और ये पार्टीशन आपने बंद कर दिया, सो यहाँ पर एक पार्टीशन है किचन का, सो ये पार्टीशन आपने बंद कर दिया और ये इंडिपेंडेंटली बेडरूम जैसे फंक्शन कर रही है, तब अगर आपके घर पर गेस्ट है या जो भी आपको किचन में कुछ काम है तो आपको किचन के लिए एक अलग से एक्सेस होना चाहिए। इसके लिए वी डिसाइडेड कि यहाँ पर हम एक अलग से एक्सेस क्रिएट करेंगे, तो ये जो पार्टीशन है ये बंद हो गई, इसकी दूसरी जो वॉल है वो भी पार्टीशन बंद हो गई, तभी भी किचन आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर इस प्लानिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सी शेप काउंटर है, जहाँ पर ये आपका हॉब आ गया, ये सिंक आ गया और यहाँ पर जो सारे अप्लायंसेस हैं, यहाँ पर फ्रिज है। सो जनरली प्लानिंग करते वक्त किचन में हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपका जो कुकटॉप या हॉब है, आपका जो सिंक है और जो आपका फ्रिज है उसमें एक ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, वर्किंग ट्रायंगल जिसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम स्पोकन इन द प्लानिंग वाला वीडियो। सो ये जब हम प्लान कर रहे थे तब हमने सोचा था कि हम यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर देंगे, सो क्योंकि हॉब जो है अंदर लिविंग रूम की तरफ फेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप खाना बनाते वक्त यहाँ पर कोई बैठा है आप फ्रेश गर्म खाना सर्व कर सकते हैं, या खाना बनाते वक्त आप लोगों से बातें कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, जो अगर आप एक वॉल को फेस करके बनाओगे तो उसके कंपैरिजन में आई थिंक दिस वुड बी मच मोर इंटरेस्टिंग। कोई गेट टुगेदर भी है, पार्टी भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो यू कैन स्टिल बी पार्ट ऑफ द एंटायर फन एंड कॉन्वर्सेशन वाइल यू आर कुकिंग, सो वो एक थॉट था। नाउ ये ब्रेकफास्ट काउंटर बनाते वक्त बट एक चीज़ का ध्यान, अगर आप ये प्लान कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्रेकफास्ट काउंटर है और जो काउंटर है वो दोनों की हाइट डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बैठ के खाना खाओगे या जो भी बैठेगा, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये और ये लेवल सेम है तो हाथ आपका हॉप को लग सकता है, सो ये जस्ट एक अवॉइड करने के लिए, दोनों में अगर लेवल डिफरेंस हो तो वो बेस्ट है। और इसके लिए वी डिसाइडेड कि हम इस तरीके से उसको प्लान करेंगे। इसको बहुत हमने बड़ा नहीं रखा है, काफ़ी थिन है, 1 फुट का ही है। अगर आपके पास जगह है, आप चाहते हैं थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली बड़ा कर सकते हैं, बट ब्रेकफास्ट पर्पज़ के लिए या बैठ के आपको जस्ट चाय वगैरह पीना है, सो दिस इज़ मोर देन इनफ, इतनी जगह भी इनफ हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मटीरियल। सो यहाँ पर काउंटर के लिए जो मटीरियल हमने यूज़ किया है क्वार्ट्ज़ है, और जब हम इसका प्लानिंग कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, तब ये क्लाइंट ने कहा था कि उनको, वो चाहते थे कि कम्प्लीटली वाइट किचन हो, ऑल वाइट किचन, तो मोर ऑर लेस अभी अगर आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली वाइट ही है, वाइट में ही डिफरेंट टेक्सचर्स हमने यूज़ करने की कोशिश की है। जैसे ये क्वार्ट्ज़ है जिसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ग्रे में आप फिगर्स देख सकते हैं। नाउ कुछ कुछ जगह पर वी ट्राइड कि जो नीचे फिगर्स है, क्योंकि हमने बैक स्प्लैश में सेम क्वार्ट्ज़ यूज़ किया है, वो ऊपर कंटिन्यू हो। नाउ इसके साथ जो नीचे के कैबिनेट्स हैं और ऊपर के कैबिनेट्स हैं उसमें भी अगर आप देखोगे तो वाइट ही हमने यूज़ किया है। ये वाइट कलर का एंटी स्क्रैच एक्रेलिक है
और अगेन डिफरेंट फिनिश है, ग्लॉसी फिनिश है। काउंटर के नीचे वाले जो शटर्स हैं, यहाँ पर हमने सोचा था कि हम गोला प्रोफाइल यूज़ करेंगे। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं गोला प्रोफाइल हमने यूज़ किया, जैसे जी प्रोफाइल वगैरह होता है जो शटर पे लगता है, गोला प्रोफाइल आपका पीछे लगता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमने मेटल एक्सेंट्स ऐड किए हैं, हमने गोल्ड मेटालिक फिनिश चूज़ किया है। इवन जो पार्टीशन मैंने आपको दिखाई उसमें भी एल्यूमिनियम का फ्रेमवर्क है और उसका जो फिनिश है वो गोल्ड मैट है। तो इसके लिए भी ये नीचे जो प्रोफाइल है इसमें हमने गोल्ड मैट यूज़ किया है, बिकॉज वो थोड़ा सा रिसेस्ड होता है। अगर आप ऐसे देखोगे तो वो उठ के नहीं दिखता, बट आपको चाहिए तो आप उसमें लाइटिंग वगैरह भी दे सकते हो, सो दैट ये जो कम्प्लीटली गोला प्रोफाइल है वो उठ के आता है। क्योंकि एक सी शेप किचन है और जनरली अगेंस्ट द वॉल जब आपका कुकिंग होता है तो चिमनी आपकी वॉल के ऊपर आती है और काफ़ी इजीली आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि ये आइलैंड, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली आइलैंड बट आइलैंड जैसे ही है, और इसके ऊपर हमें चिमनी लेनी थी। सो हम चाहते थे कि हम एक ऐसी चिमनी यूज़ करें जिसका सक्शन इतना अच्छा हो कि जिस तरीके से हमने इसको प्लान किया है कि कम्प्लीटली एक ही स्पेस है और किचन में आप खाना भी बना रहे हो तो वो जो पूरा स्मेल है वो पूरे घर में नहीं फैलेगा। तो वो सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छी चिमनी विद गुड सक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए यू सी जनरली व्हाट वी ट्राई टू फॉलो इज कि जितना आपका हॉब है उतने ही विद की आप चिमनी लोगे तो आपका सक्शन काफ़ी अच्छा होता है। अगर एक स्क्वायर हॉब होता तो आप छोटी चिमनी भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ये हमने सोचा। और डक्टलेस चिमनी, कई बार ऐसे होता है कि किचन में जगह बहुत कम होती है या डक्ट ऊपर से लेके जाने के लिए जगह नहीं होती, या प्रोबेबली इफ़ यू आर लिविंग इन अ रेंटेड स्पेस और आपको ऐसा लगता है कि आप डक्ट वाली चिमनी, डक्टेड चिमनी नहीं लगाना चाहते तो आप डक्टलेस चिमनी लगाते हो। बट सक्शन जो है आई थिंक 100% या काफ़ी अच्छा इफेक्टिव सक्शन डक्ट वाले चिमनी में ज़्यादा होता है, अच्छे से होता है। तो इसके लिए यहाँ पर इफ़ यू सी ये जो चिमनी है ऊपर हमने फिंगर जॉइंट बोर्ड लगाया है और उसके ऊपर से इसका जो डक्ट है वो बाहर निकाला है। पर इफ़ एट ऑल आपके यहाँ पे जगह नहीं है तो आप डक्टलेस चिमनी यूज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर ये जो सारे अप्लायंसेस हैं सारे डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, जो हमें जिस ब्रांड में अच्छा लगा उस हिसाब से चूज़ किया है। हॉब फेबर का है, जो चिमनी है एलिका की है। नाउ ये जो अप्लायंसेस उस पर फ्रिज जो है, फ्रिज हमने बॉश का लिया है। ये फ्रिज इसकी खासियत ऐसी है कि जनरली आपने देखा होगा कि जब नॉर्मल फ्रिज होते हैं वो इस तरीके से खुलते हैं, यहाँ पर उसका हैंडल होता है और इस तरीके से खुलता है। बट ये जो फ्रिज है ये हमने स्पेसिफिकली इसके लिए लिया है क्योंकि इसका जो डोर है वो हमें फ्लिप करके मिल रहा था। ये पर्टिकुलर मॉडल ऐसा है जिसमें आप डोर फ्लिप कर सकते हैं, ये सर्विस आपको मिलती है। और क्योंकि काउंटर और सब कुछ यहाँ पर है, सो यहाँ से अंदर फ्रिज के अंदर से खाना वगैरह निकाल के यहाँ पे रखने के लिए यहाँ से दरवाज़ा खुलना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। और इसके लिए वी वर लुकिंग फॉर अ फ्रिज जिसका दरवाज़ा यहाँ से खुलता है और ये पर्टिकुलर मॉडल था जिसमें वो फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि फ्रिज के बाद में विंडो होती है और आप यहाँ से फ्रिज खोल के आपको विंडो के यहाँ से काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है यहाँ से निकालना। सो देन प्रोबेबली यू कैन फ्लिप द डोर और ये आपको यूज़ करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिटिंग्स। यहाँ पर हमने सारे हैफले के फिटिंग्स यूज़ किए हैं। जहाँ पर भी शटर्स है, शटर्स में भी हमने जो हिंजेस यूज़ किए हैं हैफले के सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस यूज़ किए हैं। एक एक चीज़ हम ओपन करके देखते हैं कि कहाँ पर क्या प्लान किया है। नाउ यहाँ पर सिंक के यहाँ पर हमने जो वाटर प्योरीफायर दिया है वो हमेशा की तरह हमने ऊपर नहीं दिया है, काउंटर के नीचे दिया है। सो काउंटर के नीचे आपने देखा होगा कई बार वाटर प्योरीफायर देते हैं, उससे आपकी ऊपर की जगह थोड़ी खाली हो जाती है। और ऊपर फिर हमने एक गीज़र दिया है। सो प्लानिंग स्टेज में हमने इसकी बात की कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि वो चाहते थे कि यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के लिए गर्म पानी की भी प्रोविज़न हो, जिसके लिए ऊपर हमने गीज़र लगाया है। और ये जो है स्टैंडर्ड ड्रेनिंग यूनिट आप लगा सकते हैं। अगर आपको नीचे ट्रे वाला फिटिंग चाहिए आप वो भी लगा सकते हैं। सो कुछ ग्लासेस या क्वार्टर प्लेट्स वगैरह है आपको धोने के बाद ऊपर रखने हैं तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। सो सारा पानी जो है इधर इसमें ड्रेन होता है, या तो उसके नीचे कोई ट्रे है तो उसमें ड्रेन होता है, देन आपको उस ट्रे को खाली करना है। यहाँ पर एक पाइप गैस का कनेक्शन आप देख सकते हैं, बट पाइप गैस का कनेक्शन अभी तक सारे फ्लैट्स में आया नहीं है, इसके लिए यहाँ तक लाके इसको छोड़ दिया है। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर सिलेंडर लगाया हुआ है। एक बार पाइप गैस का कनेक्शन सारे रेसिडेंस में आ जाएगा तो फिर हम नीचे का सिलेंडर निकाल लेंगे। और ये जो पर्टिकुलर कॉर्नर है इसके लिए हमने कॉर्नर यूनिट फाइनल किया है मोडा का, तो वो बाद में हम इंस्टॉल कर देंगे। वो ऑलरेडी यहाँ पे लाया है, सिर्फ उसको फिक्स नहीं किया है। नाउ जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सारे फिटिंग्स हैफले के हैं, बट जो कॉर्नर फिटिंग हम ढूंढ रहे थे हैफले में उसका कॉस्टिंग और जो मोड़ा का फिटिंग है वो दोनों का कॉस्टिंग में बहुत, दोनों की कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क था। और मोड़ा का जो फिटिंग है दिखने में सिमिलर दिखता है और वैसे ही दिखता है, मतलब इट डजंट लुक कम्प्लीटली डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि आपके सारे फिटिंग्स अलग दिखेंगे और एक ही फिटिंग बहुत डिफरेंट दिख रहा है। सो ऑब्वियसली वी चेक कि वो दिखने में कैसा है और उसकी कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। सो वी डिसाइडेड कि हम कॉम्बिनेशन में फिटिंग्स यूज़ करेंगे। बाकी सारे हैफले हैं पर ये हमने मोड़ा का यूज़ किया। सो सिमिलर
रेगुलरली अगर आप आपका जो भी कॉस्टिंग है किचन का बजट थोड़ा सा चेक में रखना चाहते हैं, सो कटलरी वगैरह जो भी ऐसा है वो आप चाहिए तो एक पर्टिकुलर हैफले हेटिक कोई ब्रांड में ले सकते हो, दूसरा आपको चाहिए लोकल ब्रांड में लेना है तो वो भी ले सकते हैं, या तो आप फ्रंट काउंटर बैक काउंटर इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं कि फ्रंट काउंटर वाले सारे आप एक ब्रांड में ले लो, तो डिपेंड्स ऑन यू, आपके बजट को थोड़ा सा आप ट्वीक करके चेक कर सकते हैं कि व्हाटएवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू। और नाउ व्हाट वी विल डू इज कि ये सारे जो है कटलरी से विल स्टार्ट, कटलरी से सारे ड्रॉर्स खोल के देख लेते हैं। नाउ ये वाला जो हिस्सा है कटलरी का है, और ये जो कटलरी है वुडन कटलरी आप देख सकते हैं। नाउ ये कम्प्लीटली एक होल एक ही है, ये कम्प्लीटली एक ही पीस है, ये जो इसमें आप इंसर्ट्स या डिविजन्स देख सकते हो ये आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड आता है। सो ये जो भी डिविजन्स है ये फिक्स्ड आते हैं। ऑब्वियसली हैफले में देर आर अदर कटलरी जिसमें आप थोड़ा सा जो भी आपको शिफ्ट करना है तो वो वर्टिकल्स आप शिफ्ट कर सकते हो, बट इसकी साइज़ इतनी बड़ी है और डिविजन्स भी इतने अच्छे तरीके से और बड़े दिए हैं कि आपकी चीज़ें इसमें अच्छे से फिट आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रांड नेम हैफले लिखा हुआ है। नीचे के जो है ड्रॉवर्स वो काफ़ी डीप है, तो ऑब्वियसली आप उसमें आपके बड़े बर्तन रख सकते हैं, आपको जो भी कढ़ाई वगैरह रखनी है वो भी रख सकते हैं। इसके नीचे इफ़ यू सी एक मैट है, सो एक एंटी स्लिप मैट है, एंटी स्लिप एंटी स्किड, सो इससे ये है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कप्स वगैरह है बट ये जो भी मोशन है उससे कोई भी चीज़ है वो जगह से हिलती नहीं है। नाउ ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि प्लेट्स रखने के लिए इंसर्ट्स हैं। नाउ ये जो इंसर्ट्स हैं इसमें फिक्स नहीं किए हैं, ये लूज़ है, तो ये तीनों जो है ये लूज़ पीसेस हैं जो इसके अंदर रखे हुए हैं। और हैफले में और एक भी फिटिंग आता है जिसमें आप प्लेट्स इस तरीके से उठा सकते हो, सो बेसिकली उसमें प्लेट्स सारे फ्लैट आपके आते हैं, बट ये जैसे हमारा कन्वेंशनल डिश ट्रे होता है या डिश रैक होता है उस हिसाब से आपको चाहिए तो आप स्टील में बना के उसमें सेपरेटली रख सकते हो। उसके बाद ये जो है ये भी हमने देखा कि इसके नीचे एक्वागार्ड लगाया हुआ है और उसका टैप यहाँ से है, सो आप यहाँ से डायरेक्टली पानी ले सकते हैं, उसमें पानी का स्टोरेज भी है। नाउ ये जो है यहाँ पे डस्टबिन है कि और इसके बीच में देयर इज गोइंग टू बी अ वर्टिकल पार्टीशन, तो यहाँ पे पार्टीशन आनी चाहिए विच इज़ बैलेंस, फिर आपका जो पूरा डस्टबिन और आपका जो पानी है पूरा सेपरेट हो जाएगा। कॉर्नर के लिए कॉर्नर फिटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो एक किड्डी बीन वाला ऑप्शन भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट फिटिंग्स होते हैं, तो वेट कैपेसिटी के हिसाब से वी वर डिसाइडिंग कि हमें एग्जैक्टली कौन सा फिटिंग लेना है, वेदर वी वॉन्ट टू गो अहेड विद द सेम फिटिंग इन बोथ द कॉर्नर्स या हम यहाँ पे कोई दूसरा फिटिंग लगाने वाले हैं। बट देन आफ्टर डिस्कसिंग विद द क्लाइंट वी जस्ट डिसाइडेड कि हम यहाँ पे सिर्फ शेल्फ ही रखेंगे और दोनों जो दरवाजे होंगे वो दोनों अंदर से खुलेंगे, सो दैट आपको अंदर एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगी। सो इफ़ यू सी इस तरीके से दोनों डोर्स ओपन होते हैं और इसके हिंजेस इस तरीके से लगाए हैं कि वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा ओपन होते हैं इस तरीके से, सो दैट एक्सेसिंग एनीथिंग इज़ मच मोर कन्वीनियंट फॉर यू। नाउ ये भी जो है डीप ड्रॉवर्स है, यहाँ पर भी अंदर हमने कोई डिवाइडर्स दिए नहीं है, तो जो भी आपका कुकर कढ़ाई जो भी बड़ी चीज़ें आपको रखनी है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। सो ये सारे जो है वैसे ही हैं, डीप है और कोई अंदर जैसे मैंने कहा डिविजन्स है नहीं, तो आपको जिस तरीके से उनको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ ऊपर वाले जो शटर्स हैं वो हम खोल के देते हैं, ऊपर वाले जो लिफ्टअप्स हैं वो हम खोल के देख लेते हैं। सो यहाँ पर दो हमने लिफ्टअप लगाए हैं, एक के ऊपर एक, अगर आपको दो नहीं लगाने हैं तो आप एक बाईफोल्ड वाला फिटिंग आता है वो भी लगा सकते हैं। बाईफोल्ड फिटिंग में ये शटर और ये शटर एक दूसरे को कनेक्टेड होता है, सो आप इसको खोलेंगे तो उसको कनेक्ट होकर वो वाला भी खुल जाता है, पर वो फिटिंग का जो कॉस्ट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। सो इट डिपेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर वाला शटर एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो डेफिनेटली आप बाईफोल्ड वाला फिटिंग ले सकते हैं, बट इन दिस केस व्हेन वी डिस्कस विद द क्लाइंट वी रियलाइज कि विद देयर हाइट दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम और वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ ये वाला जो कॉर्नर है उसको हमने वैसे ही ट्रीट किया जैसे हमने नीचे वाले कॉर्नर को ट्रीट किया है कि दोनों दरवाजे भी डिसाइडेड इस तरीके से खुलेंगे और अंदर के जो शेल्फ्स हैं वो कंटिन्यूस होंगे, तो अगर आप एल को ब्रेक करेंगे और बीच में कोई वर्टिकल डाल देंगे तो आपको थोड़ी सी जगह एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इन दिस केस जैसे हमने उसको कंटिन्यूस रखा है और जो हिंजेस भी है उसके वजह से आपका डोर काफ़ी बाहर तक खुलता है। नाउ ये जो शटर है यहाँ पर इफ़ यू कैन ऑब्जर्व नीचे से हमने थोड़ा सा इसका हॉरिजॉन्टल जो शेल्फ था नीचे से उसको पुश करके यहाँ पर हमने एक स्विच बोर्ड ऐड किया है, सो जब हम यहाँ पे सारे जो स्विच बोर्ड्स हैं वो प्लान कर रहे थे तब यहाँ पर ये जो है जहाँ पर हमने सारे अप्लायंसेस वगैरह लगाए हैं, सो यहाँ पर एक दो स्विच बोर्ड से जहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं लाइट्स के फैंस के, और उसी के साथ जहाँ से आप एंटर करते हो किचन में सो ये जो ब्रेकफास्ट काउंटर वाला हिस्सा है इसके नीचे भी एक स्विच बोर्ड है, तो आप अंदर आते वक्त वहाँ से आप लाइट्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ ये दोनों जगह पर ही हमने स्विच बोर्ड दिए थे, बट आपका ये वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपको जो भी अप्लायंसेस वगैरह यूज़ करने हैं मिक्सर है टोस्टर है जो भी आपको यूज़ करना है उसके लिए यहाँ पर
स्विचेस होना, सॉकेट्स होना बहुत ज़रूरी है। पर जब ये स्टोन लग गया था तब हमें लग रहा था कि ये इतना अच्छा लग रहा है कि इसके बीच में एक स्विच बोर्ड आएगा तो इट वोंट लुक दैट गुड, और वो जो कंटिन्यूस ग्रेन्स वगैरह दिख रहे हैं वो उतने अच्छे से नहीं दिखेंगे। सो इसके लिए हम लोग सोच रहे थे, कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे वेदर हम वहाँ पर स्विचेस ऐड करें, सॉकेट्स ऐड करें और ये हम कम्प्लीटली निकाल ही दें या क्या करें। सो देन वी फिगर्ड आउट कि हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यहाँ पर स्विच बोर्ड देने से अच्छा हम उसको थोड़ा सा पुश करेंगे और यहाँ पर ऊपर स्विच बोर्ड दे देंगे, और नीचे वाला जो शेल्फ है थोड़ा सा आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो बाहर से आपका स्विच बोर्ड नहीं दिखेगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये नीचे से ओपन है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी अप्लायंसेस यूज़ करना तो ऑब्वियसली यहाँ से आप प्लग लगाकर आप यूज़ कर सकते हो। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, इसके अंदर GTPT और ऊपर गीज़र लगाया हुआ है। अभी लास्ट वाले जो शटर्स हैं ये तो सिंगल सिंगल थे, और कॉर्नर वाला जो था वो दोनों साथ में ओपन कर रहे थे, ये वाले अगेन जो है ये दोनों साथ में ओपन होते हैं, और ऊपर वाले जो शटर्स है उसको आप देख सकते हैं कि हैंडल्स दिए नहीं ना, ये काफ़ी एक टिपिकल स्टैंडर्ड डिटेल है जिसमें आप सामने के जो शटर्स होते हैं शटर्स थोड़े से लंबे बनाते हो तो नीचे से आपको इस तरीके से आप उसको पकड़ के खोल सकते हो, फिर आपको अननेसरी ऊपर हैंडल्स देने की ज़रूरत नहीं है। सो नीचे वाला आप उसको ऐसे ही खोल सकते हैं, पर ऊपर वाला उस तरीके से खोलना मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे ग्रूव नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने हैंडल दिए। एज यू कैन सी हमने ओपन शेल्फ दिए हुए हैं, सो क्लोज स्टोरेज के साथ ही अगर ओपन शेल्फ होंगे तो यूज़ करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है। जो आपको रोज़ लगने वाली चीज़ें हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर हो या कप्स हो, जो भी आपको लगता है, और जैसे इन दिस केस यहाँ पर एक छोटा सा क्लॉक रखा हुआ है वैसे आप वो भी रख सकते हैं। और ये जब हम प्लान कर रहे थे तभी हमने सोचा था कि ये जो स्टोन है क्वार्ट्स है हम ऊपर तक लेके जाएंगे और उसके फोरग्राउंड में कुछ दूसरे कलर के हम शेल्फ्स ऐड करेंगे। नाउ इन दिस केस जैसे आप देख सकते हैं वुडन फिनिश हमने दो ही जगह पर यूज़ किया है, एक तो ये ब्रेकफास्ट काउंटर के नीचे जो लूअर्स हमने पूरा लेफ्ट टू राइट लगाए हैं वो पाइन वुड वाले नेचुरल फिनिश में है, और ऊपर जो चिमनी का डक्ट है उसको नीचे से हमने जिस तरीके से कवर किया है वो फिंगर जॉइंट बोर्ड है, वो भी सिमिलर फिनिश में है। नाउ ये दोनों मटेरियल्स काफ़ी डिफरेंट है, पर अगर आप फर्स्ट ग्लांस पे देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये सिमिलर मटेरियल है, सेम मटेरियल है। नाउ लूअर्स जो है रेडीमेड है, जैसे आपको पता है 4 या 5 इंच और 8 फीट के स्ट्रिप में आते हैं जिसको कट कर करके लगाए, तो रेडीमेड मटेरियल है उसको आपको ऊपर से कुछ भी फिनिशिंग नहीं करना है। और फिंगर जॉइंट बोर्ड जो है जिसमें हमने ग्रूव्स का ये डिटेलिंग क्रिएट किया है उसको वो लेंथ एम्फसाइज करने के लिए, और इससे भी वो मैच होगा उस हिसाब से, और उसको आपको ऊपर से पॉलिश करना होता है। नाउ ये जो पॉलिश है हमने लाइट रखा है, अगर आप उसको बहुत डार्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको डार्क भी कर सकते हैं, बट ये क्योंकि उसको लाइट रखा है तो ये दोनों चीज़ें और ये जो है एक दूसरे को मैच होता है, और आई थिंक अदरवाइज काफ़ी कोल्ड लगता है, कोई भी स्पेस कम्प्लीटली वाइट हो तो थोड़ी कोल्ड लगती है, तो उसमें आप थोड़ा सा वुड वगैरह ऐड करोगे तो थोड़ा वार्म लगता है और अच्छा लगता है। सो ये जो रोलिंग शटर है जो हमने अप्लायंसेस के लिए रखा है, सो यहाँ पर अंदर शेल्फ्स ऐड किए हैं और इसमें आप मिक्सर या मिक्सर के जो भी आपको मिक्सर के अलग से जो यूटेंसिल्स आते हैं वो सब कुछ आप रख सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर माइक्रोवेव वगैरह रखा है तो उसके भी अलग से जो भी डब्बे वगैरह होते हैं वो आप रख सकते हैं, उसको आप साइड से वेंटिलेशन भी दे सकते हैं, बट इन दिस केस ये मिक्सर के लिए है और छोटे जो भी टोस्टर वगैरह अप्लायंसेस है उसके लिए है, तो इसके लिए इसको वेंटिलेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ बीच में फ्रिज और उसकी ये जो साइड है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ये जो एक निश्चय खाली है यहाँ पर माइक्रोवेव आने वाला है, और ये डिश वॉशर हमने यहाँ पर प्लेस किया है। नाउ आइडियल पोजिशन और लोकेशन फॉर अ डिश वॉशर इज़ नेक्स्ट टू द सिंक जहाँ पर आप बर्तन निकाल के डायरेक्टली डिश वॉशर में डाल सकते हो, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंक और डिश वॉशर काफ़ी दूर है, तो क्योंकि फर्स्ट चीज़ ये है कि डिश वॉशर की जो हाइट होती है उस हिसाब से अगर आप काउंटर के साथ उसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो काउंटर की हाइट आपको बढ़ानी पड़ती है, तो अगर हम यहाँ पर डिश वॉशर प्लेस करते तो काउंटर यहाँ से 2 स्टेप में डिवाइड हो जाता और यहाँ से ऊपर हो जाता इधर दिस कॉर्नर, बट क्योंकि वहाँ पे गैस उसके पास में है तो ये वाली साइड हमें ऊपर उठानी पड़ती, तो ये जो पूरी लेवल है ये जो पूरा काउंटर टॉप मिलता है खाली कटिंग चॉपिंग जो भी करना उसके लिए तो ये पूरा चला जाता, क्योंकि एक आपकी हाइट के हिसाब से जनरली 2 फीट 8 2 फीट 9 का जो काउंटर होता है यूज़ करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है। जब वही काउंटर हाइट बढ़ जाती है तो ऐसे दिखने में लगता है कि बहुत डिफरेंस नहीं है, बट अ माइनर डिफरेंस ऑफ 2 इंचेस ऑल्सो काफ़ी उसमें अगर आप कटिंग चॉपिंग करने भी जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा काफ़ी इनकन्वीनियंट है वो करना। और सेकेंड थिंग इज़ कि आप कितना फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ करने वाले हैं इसके ऊपर से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। नाउ इन दिस केस वी वर श्योर कि ये ओकेजनल यूज़ के लिए ही होगा और रोज़ वो यूज़ नहीं होगा, इसके लिए भी डिसाइडेड कि जो यूटिलिटी वाला एरिया है या जहाँ पर हम सारे अप्लायंसेस देने वाले हैं वहाँ पर हम उसको प्लेस करेंगे। सो यहाँ पर डिश वॉशर आ गया, ये खाली है, और ऊपर वाली जो जगह है
यहाँ पर एक शटर दिया है, अगेन शेल्स और आपको जो भी मिसलेनियस आइटम्स रखने हैं। सो ये जो साइड है टुवर्ड्स द विंडो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डाइनिंग टेबल प्लेस किया है, और जो मैंने कहा इनिशियली दैट वाज द प्लेस जो डाइनिंग टेबल के लिए डेजिग्नेटेड थी, बट क्योंकि ये जगह अभी काफ़ी बड़ी हो गई है तो इसके लिए वी कुड इनकॉर्पोरेट अ डाइनिंग टेबल हेयर, और जो पूरा कंप्लीट वाइट के साथ, जैसे मैंने कहा हमने वॉर्म्थ ऐड करने के लिए वुडन एलिमेंट यूज़ किया है। डाइनिंग टेबल ऑल्सो इफ यू सी इट इज़ इन द सेम कलर पैलेट, और उसके ऊपर ये जो है मेटल इंसर्ट्स आप देख सकते हैं। तो जैसे हमने बाकी जगह पर मेटल इंसर्ट्स ऐड किए और गोल्ड मैट हमने यूज़ किया, यहाँ पर भी गोल्ड मेटल स्ट्रिप्स इसमें एडेड है। सो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है उसमें ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये एक डक्ट है जो पहले से था। सो यहाँ पर इनिशियली किचन का जिस तरीके से प्लानिंग था, यहाँ पर सिंक था और ये जो डक था, ये जो डोर था, ये इनिशियली वैसे ही बिल्डर ने प्रोवाइड किया। ये थ्रू आउट है, ऊपर से नीचे सारे फ्लैट्स में ऐसे हैं। सो वी रिटेन दिस पोर्शन, इसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है ना। उसी के साइड में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी स्टोरेज दिया हुआ है, और ये जो स्टोरेज है ये हमने सीलिंग तक लिया है ना। इसके पहले किचन का जो हमने कुकिंग एरिया वगैरह वो सारा जो स्टोरेज देखा, वो सारे जो कैबिनेट्स देखे वो एक लेवल पर हमने स्टॉप कर दिए, और डेड स्टोरेज उसमें हमने दिया नहीं है। बट ये सिर्फ इसी जगह पर हमने डेड स्टोरेज दिया है, ऊपर तक हम इसको लेके गए, क्योंकि बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं जो उनका एग्जिस्टिंग जो सामान उनके पास था उसके हिसाब से वी रियलाइज़ कि सिर्फ इतने जगह में हम ऊपर स्टोरेज देंगे और डेड स्टोरेज देंगे तो वो उतने सामान के लिए इनफ हो जाएगा। तो इसके लिए बाकी जगह पर हमने एक लेवल पे सारा फर्नीचर स्टॉप कर दिया, विच आई थिंक लुक्स बेटर, दिखने में थोड़ा लाइट भी लगता है, बहुत हैवी नहीं लगता है। नाउ ये जो पोर्शन है इसको हम क्रॉकरी यूनिट जैसे इनिशियली डिज़ाइन करने वाले थे, एंड वी वर वंडरिंग वेदर टू कीप इट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बट ये इनिशियली जैसे हमने सोचा था हमने उसको वर्टिकल रखे, अंदर ग्लास शेल्फ दे के ही इसको डिज़ाइन किया है। और अगेन ये एल्यूमिनियम प्रोफाइल है जिसको फिनिश आप देख सकते हैं, गोल्ड फिनिशिंग किया हुआ है, और इसके अंदर जो ग्लास है ये क्लियर ग्लास नहीं है, टिंटेड ग्लास है, ब्राउन टिंटेड ग्लास है। ये जो क्लोज स्टोरेज है उसके अंदर भी शेल्फ दिए हुए हैं। नाउ जो रेडीमेड स्नैक्स वगैरह आप लाते हैं उसके लिए जनरली पैंट्री यूनिट भी देते हैं, बट पैंट्री यूनिट अगर आप हैफले या हेटिक जो भी ब्रांड में आप देखते हो तो उसके कुछ स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, जितनी डेप्थ और विड्थ चाहिए, तो अगर वो आपके किचन के हिसाब से फिट हो रहा है तो फाइन, अदरवाइज आप इस तरीके से शेल्फ भी डालेंगे और या ट्रॉलीज भी डालेंगे तो आई थिंक इट्स सर्व्स द सेम फंक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऑल वीडियोज इस ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या कोई नई चीज़ जो प्रोबेबली आपने आज इस वीडियो से सीखी हो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।